वही बाबा ही आपस में अंदर रख लीजिए आपस में सबसे पहले तो ये जानकारी ले लेंगे हम यहाँ पे डिजाइन जो बोर्ड है उससे वाकिफ तो आप एक्चुअली होंगे ही, लेकिन एक बार ऐसा भी वक्त आता है जब आपको अचानक बोला जाए कर तो बोले क्या करें, और उसे बोला जाए बस टाइम खत्म तो जो माइंड है उसमें कहता है कि बस इतना सा टाइम था, तो इतना सा जब टाइम होता है तो उसमें आप कल गुजरते हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल पास हो गए, क्रिएटिविटी है आप अलग है आप, तो वो जो चीज होती है वो होती है सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स ये बोला जाए और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को निकाल के देते। एक सिचुएशन मैं आपको दूं और मेरे को आप आंसर दीजिए और देखिएगा कि अपने आप को टाइम ज्यादा मत लीजिए सोचने, सबसे जो ज्यादा फंसेंगे वो ये नजदीक वाले फंसे, क्योंकि मैं शुरुआत में जैसे करने वाला हूँ इनके पास वक्त नहीं होगा सोचने का, वो बड़े फायदे में रहेंगे। जब फुर्सत में जब सारे आंसर दे देंगे मिला मिलू के एक दे देंगे, लेकिन वो इन जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये सिचुएशन दो दे दो, एक जंगल है, जंगल में आप जा रहे हैं, सॉरी आप अकेले जा रहे हैं, और घबराइए नहीं मैं शेर नहीं बुलाने वाला, आप अकेले जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, अचानक एक कांटा आपके पैर में चुभ गया तो वो निकालना है, सिचुएशन फ्रीज बोलिए फटाफट कैसे निकालिए, हाथ से तो हाथ से निकाल लेते हैं, स्किन के अंदर घुसा हुआ कुछ कांटा हाथ से निकाल लेते हैं, चलो अच्छा सोचो सोचो जल्दी बताइए क्या आप बता सकते हैं आप कटा लेने गलती नेक्स्ट बैच होगा नहीं विकास सर ने बोला कि उधर से जाकर हमको उधर भेज देते हैं बातें करने ठीक है उधर विकास सर के पास चले फिंगर से पकड़ लिया हाथ से मैंने कि कॉपी पेस्ट किया आप जैसे ही नजर बच्चे काटा निकालना है हाथ से किससे लकड़ी से और गुलाब ना हो तो क्या करें कांटे ऐसे भी होता है कि अंदर जाके ऊपर से दबा तो बाहर आते चलिए बोलो हाँ जी बेटे बता हाथ से निकालेंगे हाँ जी बोलिए हाथ से बोल दीजिए हाथ से